एक बार की गल है, गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर तो अमीनाबाद भाई लालो के घर गए। भाई लालो जो कि परमात्मा के परम भगत से, वह एक नाई का काम करते सी। गुरु जी वेखते ही उन्होंने गुरु जी का खूब आदर सत्कार किया। उन्होंने घर कुछ ज़्यादा तो नहीं सी, बस कुछ बासी रोटी सी। उन्होंने गुरु जी ने उइयो बासी रोटियां ही खवाइया, पर गुरु जी ने बासी रोटी खा के भी इंज लग रहा है जिवें अमृत छक रहे हों। गुरु जी उहदे घर 3 दिन तक रुके। जो वापस जान लगे तो उन्होंने गुरु जी ने कुछ दिन होर रुकन लिए कहा, तो फिर गुरु जी 15 दिन होर रुकन लिए तैयार हो गए। गुरु जी के भाई लालो के घर होने की खबर पूरे पिंड फैल गई। पिंड एक क्षत्रिय से जिसका नाम मलिक पागो से, उन्हें गुरु जी ने अपने घर खाने का निमंत्रण दिता। पर गुरु जी जानते हैं कि यह गरीबा उत्ते बहुत अत्याचार करता है, इसलिए उन्होंने उसके घर जाके खाना खान तो मना कर दिता। मलिक पागो ने इन्हू अपना अपमान समझा तो भाई लालो के घर जाके गुरु जी ने खरी खोटी सुना लग पाया। पर गुरु जी ने उसकी गल का पूरा नहीं मनिया। उन्होंने कहा, मैं तेरे घर की रोटी इस करके नहीं खा रहा क्योंकि तेरी कमाई पाप की कमाई है, जबकि भाई लालो की कमाई मेहनत की है। इन्ना सुनते मलिक पागो होर पड़ गया तो गुरु जी ने होर भला बुरा कहन लग पाया। तद गुरु जी ने कहा, मैनू तेरे खाने विच गरीबा का खून विखाई दे रहा है। तद पागो कहन लग्या, जे इस तरह की गल है तो साबित करके विखाओ कि मेरे खाने विच खून निकल रहा है, तो ये पासे खाने विच तुहानू कि दुध निकलता दिखाई दे रहा। गुरु जी ने कहा, जे विश्वास ना हो तो अजमा के वेख लै। इन्ना कहिंदे ही उन्हें अपने घरों स्वादिष्ट खाना मंगवाया तो गुरु जी ने भाई लालो के घरों एक बासी रोटी मंगवाई। गुरु जी ने एक हाथ में पागो के घर की रोटी फड़ी तो दूजे हाथ में भाई लालो के घर की बासी रोटी। यह नज़ारा वेख के लोगों के दिलों की धड़कन वध गई। जो उन्होंने यह वेख्या कि भाई लालो की बासी रोटी विचों वाकई दुध की धार निकल रही थी, पागो के खाने विचों खून की धार, यह वेख के पागो का कमंड चूर चूर हो गया तो उन्हें उस वेले गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना सिर चुका दिता। तुहानू यह वीडियो किस तरह लगी मैं कमेंट करके जरूर दसना, नहीं तो वाहेगुरु जी तो जरूर ही लिखना। जेकर तुसी मेरे चैनल नू हाल तक सबसक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहले ही आती रहे।